दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाले ये बुजुर्ग इंसान कोई आम इंसान नहीं बल्कि सल्तनत उस्मानिया के आखिरी और असली वारिस हैं, जिनका नाम दुंदार अली उस्मान है। इनकी वफात अभी दो दिन पहले ही यानी 18 जनवरी 2021 को हुई है। ये सल्तनत उस्मानिया के 45वें खलीफा थे, यानी उस्मानी खानदान के 45वें सरदार थे। 1923 में जब सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म किया गया था तो सल्तनत उस्मानिया के सारे ही वारिसों को उनके अपने ही देश यानी तुर्की से बाहर निकाल दिया गया था, ताकि किसी भी तरह से तुर्की के लोग शाही खानदान से मोहब्बत होने की वजह से अपने ही देश के सिस्टम के खिलाफ खड़े ना हो जाएं। इतना ही नहीं, मॉडर्न तुर्की के हुक्मरान यानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने पूरे शाही खानदान को टुकड़ों में भी बांट दिया, यानी खानदान के कुछ लोगों को अगर फ्रांस भेजा तो कुछ लोगों को मिस्र भेजा। इस तरह से टुकड़ों में बढ़ जाने की वजह से अब पूरा उस्मानी खानदान कमजोर हो गया और बहुत जल्द ही इनमें से बहुत सारे लोगों के घरों पर गरीबी ने भी दस्तक दे दी और इनमें से ज्यादातर लोग गरीबी में ही अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए थे। ऐसे ही मुश्किल भरे हालात में 1935 में सीरिया के दमिश्क शहर में दुंदार अली उस्मान की पैदाइश हुई थी। इनके फादर यानी वालिद का नाम शहजादे मोहम्मद अब्दुल करीम था। इनके वालिद के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के ख़त्म होने के बाद दोबारा उसको कायम करने के लिए बहुत कोशिश की थी और इन्हीं कोशिशों की वजह से ही सिर्फ और सिर्फ 29 साल की उम्र में 1935 में उन्हें कत्ल कर दिया गया था। जिस वक्त उनकी मौत हुई उस वक्त दुंदार अली उस्मान बहुत छोटे थे, यानी दुंदार अली उस्मान के सर से उनके वालिद का साया बचपन में ही उठ गया था। दुंदार अली उस्मान अपने खानदान के एक बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और काबिल इंसान माने जाते थे। 1974 में जब तुर्की गवर्नमेंट की तरफ से सल्तनत उस्मानिया के खानदान के लोगों को दोबारा तुर्की में आने की इजाज़त मिली तो दुनिया भर के बहुत सारे मुल्कों में रहने वाले उस्मानी खानदान के बहुत सारे लोग तुर्की देश वापस पहुंच भी गए थे, लेकिन दुंदार अली उस्मान ने तुर्की जाने से मना कर दिया और उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी सीरिया के दमिश्क में ही गुजारने का फैसला किया। लेकिन सन 2011 में के जब सीरिया के अंदर सिविल वॉर अपनी ऊंचाइयों पर था, यानी सीरिया के हालात हद से ज्यादा खराब हो चुके थे, तो अचानक से सारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में ये खबर फैलने लगी कि सल्तनत उस्मानिया के वारिस यानी दुंदार अली उस्मान सीरिया में फंसे हुए हैं और उनकी जान को हद से ज्यादा खतरा है। ये खबर फैलते ही तुर्की देश में भी एक अफरा तफरी का माहौल बना, जिसके जवाब में तुर्की के राष्ट्रपति यानी रजब तैयब अर्दोगान ने फौरन फैसला लेते हुए दुंदार अली उस्मान को सीरिया से निकलवाकर तुर्की देश बुलवाया और तब से दुंदार अली उस्मान तुर्की में ही रहने लगे थे। दुंदार अली उस्मान को 2017 में ही उस्मानी खानदान का नया सरदार बनाया गया था। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल भी जरूर आता होगा कि जब सल्तनत उस्मानिया 1922 में ख़त्म हो गई थी तो आखिर उस्मानी खानदान के सरदार आज भी क्यों बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हम बताते चलें कि 1922 में सल्तनत उस्मानिया के ख़त्म होने के बाद भले ही पूरा उस्मानी खानदान आपस में टुकड़ों में बढ़ चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी इन सभी लोगों ने अपने बाप दादा की रिवायतों को ख़त्म नहीं किया और आज तक ये लोग अपने खानदान में से किसी भी बुजुर्ग इंसान को अपने खानदान का सरदार जरूर बनाते हैं। दुंदार अली उस्मान को भी 2017 में तब ही उस्मानी खानदान का नया सरदार बनाया गया था कि जब पुराने सरदार का इंतकाल हो गया था। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि दुंदार अली उस्मान रिश्ते में सल्तनत उस्मानिया के मशहूर और ताकतवर सुल्तान यानी सुल्तान अब्दुल हमीद के परपोते हैं, यानी सुल्तान अब्दुल हमीद रिश्ते में इनके परदादा थे। इसके अलावा अगर आपको उस्मान गाजी और अर्तुगरुल गाजी से देखना है तो आपको बताते चलें कि उस्मान गाजी से ये 45वीं नस्ल में हैं और अर्तुगरुल गाजी से 46वीं नस्ल में हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।